तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी कारणवश आप जो है अपने CDSL अकाउंट के यूजर नेम को जो है भूल गए हो, तो किस तरह से जो है आप इसको वापस रीसेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने CDSL के यूजर नेम को जो है रीसेट कर सकते हो। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप भी अपने CDSL के यूजर नेम को जो है ईजिली रीसेट करें। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है CDSL। तो ब्राउजर के सर्च बॉक्स में आपको CDSL टाइप करके और इसको आपको जो है सर्च कर लेना। जैसे ही आप सर्च करोगे इस तरह से का CDSL का पेज खुल के शो हो जाएगा और इसमें जो फर्स्ट में लिंक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें आप जो लॉगिन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। फिर इस तरह का पेज आएगा, इसमें न्यू सिस्टम MyEG का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके और इसमें आपको लॉगिन हो जाना है। तो इसमें आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते ही आपके सामने इस तरह का पेज खुल के शो हो जाएगा। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है, परंतु हमारे को यूजर नेम का पता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही जो है मेरे सामने नेक्स्ट पेज फिर खुल के शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज आप देख सकते हो, इस तरह का एक नेक्स्ट पेज खुल के शो हो जाएगा। इसमें तीन स्टेप दिया हुआ है, यह है पासवर्ड रीसेट का प्रोसेस। तो इसमें इसके द्वारा हम पासवर्ड जो है कंप्लीट फॉलो करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हो आप यूजर टाइप, तो यूजर टाइप के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले और इसमें जो BO/CBO/CM का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही जो है नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है डीमेट अकाउंट नंबर /BOID, तो इसमें 16 डिजिट का जो डीमेट अकाउंट नंबर होता है वो डीमेट अकाउंट नंबर इसमें जो है एंटर कर देना है। डीमेट अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद में इसमें जो सर्च का आइकन बना हुआ है सर्च वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं सर्च वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी जो लॉगिन आईडी या यूजर आईडी है वो इस तरह से शो कर देगी। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से जो है अपने CDSL की जो यूजर आईडी या लॉगिन आईडी जो है इस तरह से पता कर सकते हो। तो दोस्तों ये था यूजर आईडी पता करने का कंप्लीट प्रोसीजर। आपको पता करते समय कोई भी किसी भी प्रकार की क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।